So I think I'm visible. Okay, hello everyone. Hi Yashashvi. Hello. Hi Prajwal. Hi Madhu. Hello. Hello Tappu. Hello. Ye lo 10 rupees ki tarif karo. Hi Sunishka. Hello everyone. So good afternoon everyone. Hi, a very warm welcome to our channel that is Just Class 9th and 10th. One stop solution for all the students who are studying in classes 9th and 10th. I'm Anupriya, your social science educator, and I welcome you all to our channel here. So फटाफट जिन बच्चों के पास एन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं है जल्दी से इंस्टॉल करो एंड गेट फ्लैट 10% ऑफ यूजिंग माई कोड दैट इज APRI10. सो दिस इज माई एक्स्ट्रा छोटो सा इंट्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ यू. आई एम अनुप्रिया, योर सोशल साइंस एडुकेटर. I have completed my post graduation in modern history from Randa House Till University, mentored almost 10,000 students through live classes, have more than 3 years of experience in online teaching, and I have co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th. यहाँ पर देखो कॉम्बैट आपका हर संडे को होता है बच्चा, तो 11 AM पे अपना टाइम और स्लॉट सब फिक्स कर लो, एनरोल कर लेना यूजिंग माई कोड दैट इज APRI10. तो आप मेरा कोड यहाँ पर यूज कर लेना इन ऑर्डर टू एनरोल फॉर द कॉम्बैट. ठीक है, 30 क्वेश्चंस होंगे 45 मिनट्स पे, और कम्युनिटी पोस्ट में देखते रहो, वहाँ पर लिंक आता है. अच्छे रैंक्स लाओ, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑन एन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस. जब हम बक्स बाउंटी की बात करते हैं, दिस इज बी स्क्वायर दैट एवरीवन नीड्स टू नो, कि यू गाइस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इन एनी वीडियो इफ यू फाइंड. डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक दिया हुआ है, उसको आप भर सकते हो एंड क्लेम योर प्राइजेस. 16 जुलाई तक आपके पास ऑफर है बच्चा लोग, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है दिस इज द टाइम, हरी अप नाउ और नेवर वाला सीन है. 12, 15 या 18 मंथ्स का लेते हो तो +2 आपको CBSE का मिलेगा, और आपको +2 एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे क्रिएटिव कॉर्नर के. 24, 36 या 48 मंथ्स का लेते हो तो +4 होगा, 60, 72, 84 मंथ्स का लेते हो तो +6 हो जाएगा. तो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू कीप इन माइंड. टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लो, जस्ट क्लास 9th एंड 10th का, और मेरा टेलीग्राम चैनल phoenix-social-foster. ओके, जब हम लोग आस्क डाउट फीचर की बात करते हैं, इसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो कभी भी, ओनली ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आपको बस डूज एंड डोंट्स के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखना होगा. हाउ कैन यू आस्क अ डाउट, आपको बस इमेजेस क्लिक करके भेजना है, वन डाउट एट अ टाइम. सिट बैक एंड रिलैक्स, आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा फ्रॉम दी अनअकैडमी टीम. तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डाउट्स एक सिंगल इमेज में कभी नहीं पोस्ट करना है. 100 questions बिल्कुल मत पोस्ट करना. ब्लर्ड इमेजेस और इनकम्प्लीट क्वेश्चन बिल्कुल मत पोस्ट करना. जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, वी हैव प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, रेज अ हैंड, बहुत ही अमेजिंग नया फीचर आ रखा है. यहाँ पर आपके बहुत सारे बैच कोर्सेज है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ पढ़ाई हो जाती है, वहाँ पे एक्सटेंसिव कवरेज होता है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस है, मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी आपको. यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF के फॉर्मेट में, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट क्विजेस में आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करो. जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है 9th, 10th, 11th, 12th का, 3 मंथ्स से लेकर 48 मंथ्स तक है. अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो बच्चों तो आपको मात्र पे करना पड़ेगा 1125 रुपीज, और अभी जो करंट ऑफर है 12 मंथ्स पे आपको +2 यानी कि 14 मंथ्स मिल जाएगा, और +2 यानी कि क्रिएटिव कॉर्नर, सो टोटल 16 मंथ्स टाइप का आपका कुछ है. यहाँ पर आप देखो 15, नॉट 16 मंथ्स, बट हाँ वो 2 मंथ्स का आपका एक और सब्सक्रिप्शन आ जाता है. ठीक है, क्रिएटिव कॉर्नर का 15 और 18 पे भी वही एप्लीकेबल है. 24 से ज़्यादा आप लेते हो, 2 साल का लेते हो तो +4 हो जाएगा. आपको बस मेरा कोड श्रद्धा भक्ति के साथ यूज़ करना है, APRI10. जब हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, वी हैव प्लस के ऑल द फीचर्स. उसके अलावा पर्सनल मेंटर ऐप में हमेशा आपको गाइड करने के लिए रेडी रहेंगे. लाइव डॉट सॉल्यूशन मिलेगा सारे क्वेश्चंस का, वीकली रिपोर्ट मिलेगा आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए. पेरेंट्स यहाँ पर मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और स्टडी प्लानर भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है. कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 9th, 10th, 11th, 12th का है, 3 से लेकर 48 मंथ्स है. 12 मंथ्स का अगर आप लेते हो तो पर मंथ आपको पे करना पड़ता है 2100 रुपीज़. टोटल प्राइस आपकी 25,000 ऊपर है. APRI10 कोड यूज़ कर लेना, फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जिन बच्चों को यूज़ करना है. अगर आप 12 मंथ से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हो EMI पे. आपको बस यहाँ पर अनअकैडमी एक्सपर्ट से बात करना है. ठीक है, तो प्राइसेस वोंट बी एन इशू कि कैसे क्या प्राइसिंग आपको कितनी देनी है. कभी भी आपको कुछ एनरोल करना होता है, कोड हमेशा कंठस्थ याद कर लो, APRI10 बच्चा लो. ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट. आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी करा रखा था. ठीक है, हाय दृष्टि, हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, हाय कबीर, हेलो एवरीवन, हाय दीक्षा, हाउ कैन सेट एज अ प्राइमरी सेक्टर बी कीपर. बच्चा क्योंकि आप जब हम लोग बी कीपर की बात कर रहे हैं उसको आप देखो कि वो कौन सा सेक्टर से रिलेटेड है. अगर हम नेचुरल, अगर मैं बी की बात कर रही हूँ, दिस इज समथिंग जो कि नेचुरली आपके एनवायरमेंट में है. जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वो रिसोर्सेज को यूज़ करना जो कि नेचुरली हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. तो बी को यहाँ पर किसी को बनाना नहीं पड़ता है ना, बी तो नेचुरली अपने एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. हम उसको बस यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, रखते हैं, और उसके बाद उनको यूज़ किया जाता है, हनी बी को यूज़ किया जाता है हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया.
चलो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर. तो बच्चा लोग, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम लोग अभी से 30 साल पहले की बात करते हैं या 40 साल पहले की बात करते हैं, तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में आपसे पूछा जाए कि कौन सा सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बताते जाओ एवरी वन. हाई मयूर, हेरो श्रेयांश, हाई निहारिका. निहारिका मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, बिकॉज मेरे पास आज थोड़े एक्स्ट्रा काम है, तो थोड़ी रिकॉर्डिंग ये सब करनी है बच्चा, तो शायद नहीं है. मैं सोच रही हूँ सैटरडे को ही ले लूँ, ठीक है, क्योंकि फिर कल वाईटी है, फिर ब्रेक हो जाएगा, तो मैं अब सैटरडे से रेगुलर होने का सोच रही हूँ. ओके निहारिका, ओके मयूर, यू आर इन क्लास नाइन्थ. नाइन्थ का सेशन हमारा बच्चा होता है. आप जस्ट नाइन्थ आए हो? हाई, हेलो दीक्षा. टर्शरी नहीं नहीं प्राइमरी प्राइमरी, ये प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है. 30-40 साल पहले आप सभी बच्चों को पता है कि आपने कंठस्थ एक बात पढ़ा है कि इंडिया में जो अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है भाई, तो आपके ऑलमोस्ट रूरल एरियाज की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो लेट्स से कि अगर मैं बात करूँ अबाउट द पीरियड दैट इज 1949, 1950, 1951, जब इंडस्ट्रीज बन रहे थे लेकिन उतना ज़्यादा वो एडवांस फॉर्म में नहीं थे, तब जाके हम देखते हैं कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा डिमांड में था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं. फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चा लोग कि जैसे जैसे अपने कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, जैसे जैसे अपने कंट्री में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगे, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ने लगा वर्कर्स के लिए. तो बहुत सारे लोग थे जो प्राइमरी सेक्टर का काम छोड़ के वो सेकेंडरी सेक्टर में चले गए, यानी कि वो इंडस्ट्रीज में चले गए जिनके पास थोड़ी बहुत स्किल थी. बहुत सारे अनस्किल लेबर भी चले गए इन होप फॉर गेटिंग बेटर वेजेस. तो यहाँ पर प्राइमरी से शिफ्ट होने लगता है सेकेंडरी के ऊपर, अगर हम उसके 5-6 या 10 साल आगे की बात करते हैं. लेकिन हम अगर बात करते हैं आफ्टर 1970s, 1980s या फिर 2000 की अगर हम बात करते हैं ना, वी सी दैट किस तरीके से टर्शरी सेक्टर में अचानक से काफी इंक्रीज होता है. इट मींस दैट धीरे धीरे आपको पता है कि टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए सर्विसेज को हमारे कंट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाने लगा. वेदर इट्स अबाउट द IT सेक्टर, वेदर इट्स अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी आर एंजॉइंग टुडे, जैसे कि पहले आप मैकडॉनल्ड्स के बारे में, बर्गर किंग के बारे में, डोमिनोज के बारे में, इन आउटलेट्स के बारे में नहीं जानते थे. आज के डेट में आपके पास स्विगी और जोमैटो है. लॉकडाउन हो भी गया तो उसके बाद भी आप भूखे नहीं बैठ सकते हो घर पे, क्योंकि आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हो, है ना. तो दीज आर सर्टेन सर्विसेज जो आज के डेट में आप इंजॉय कर रहे हो. तो बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी सी दैट टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो अचानक से राइज करने लगा, एंड देयर वाज द शिफ्ट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर फ्रॉम प्राइमरी टू द टर्शियरी सेक्टर. सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर अपने कंट्री में किस तरीके से ग्रो कर रहे थे, और इसको हम कैसे समझते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है अबाउट GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है. तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए हम GDP को देखते हैं, उसके ग्राफ को समझने के लिए हम GDP को देखते हैं कि कंट्री में कितना वैल्यू कोई भी प्रोडक्ट का, कितना वैल्यू यहाँ पर बना, कितना यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ, इम्पोर्ट हुआ, सबको यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए अपने इकोनॉमी को हम डिसाइड करते हैं कि कितना वेल परफॉर्म कर रहा है. तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर इन 1973 to 74, तो उस पीरियड में आप देखो ब्लू इज फॉर प्राइमरी, रेड इज फॉर सेकेंडरी एंड ग्रीन इज फॉर टर्शियरी. ये आपकी बुक में ये ग्राफ दे रखा है, आपको ये ग्राफ देखना है. और यहाँ पर GDP अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्राइमरी में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है ना, अगर 1973 से 74 की बात करते हैं. लेकिन वही अगर हम अपना शिफ्ट करते हैं 2013 से 14 तक, तो हमें एक मेजर यहाँ पर जंप दिखता है टर्शियरी सेक्टर में, और उतना ज्यादा हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं दिखता है. अब क्या रीजन है भाई फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स, सारे प्राइमरी सेकेंडरी हो या टर्शियरी, सब आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है. अब यहाँ पर रीजंस की बात करनी है कि रीजंस क्या है जिसको हम यहाँ पर बताने वाले हैं. मैम मुझे भी हाई बोल दे दीजिए, मैंने बोला तो यशस्वी. टप्पू ने एक परफेक्ट बात बोली, PPT पुरानी है तो बच्चे भी नए होने चाहिए, है ना. नहीं बोलो तो मैं बातें ही कर लेती हूँ. पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है?
हाय टप्पू, हेलो गौतम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप टर्शरी सेक्टर के राइजिंग इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ ले, बातचीत आप लोगों की खत्म हो गई हो तो आज मैं पढ़ाई करवा लूँ आपकी। बोल दो, नहीं तो बातें ही कर लो, दोनों में से कुछ एक काम कर लेते हैं। अरे बाप रे, देखो कौन पधा रहा है आज सेशन में, सुपन जोत, इतने दिन बाद दिखी है भाई। न्यू टाइम नहीं है, चलो चलो चलो, कोई मिस तो नहीं है, कौन पधारा है? ये सुपन जोत पधारी है भाई, बड़े दिनों बाद पधारो हमारे देश। लेजी मैम के लेजी बच्चे हैं यहाँ पे, है ना? देखो जैसे मैम जैसे कर रही है, बच्चा भी वही कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, लेट अस टॉक अबाउट द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंट्री में बेसिक सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने एसेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, आपने बेसिक सर्विसेज के बारे में पढ़ा, चाहे वो मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, हेल्थ की बात कर रही हूँ, एजुकेशन की बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, हर एक सेंस में किसी भी कंट्री में इसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता ही है। तो हमारे कंट्री में भी गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाना शुरू किया इन सारे सर्विसेज में, यहाँ पर लोगों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाने लगी, दैट लेड टू द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, ये आपके एग्जाम का सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, दैट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। देखो बच्चा लो, अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बड़ा ट्रक का जरूरत पड़ना ही पड़ना है। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए चाहिए, लोगों तक पहुँचाना है, तो कहीं ना कहीं अपना जो सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर है, दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर एज वेल। सो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट होता है तो अपना टर्शरी का भी होता है। और ऐसा नहीं है कि बाई गोइंग थ्रू द ईयर्स फ्रॉम 1974 टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी में ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, ऐसा तो था नहीं, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन टर्शरी के परस्पेक्टिव में या कंपेरिजन करें तो अपना कम हो रहा था ग्रो। लेकिन यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है दैट सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए इन दोनों का डेवलपमेंट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अपना टर्शरी सेक्टर भी डेवलप हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टाइल चेंज होता है, मान लो कि लेट्स से आप लोग अपने घर में भी ये देख सकते हो कि पहले आपके घर में एसी वेसी सब घर में कॉमन नहीं हुआ करता था, पहले किसी के घर में ज़रूरी नहीं कि सबके पास कार्स होते थे, लेकिन आज के डेट में आप देखो ना, जैसे जैसे अपना एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे जैसे लोगों के पास नौकरियाँ मिल रही हैं, जैसे जैसे लोग अच्छा कमा रहे, इनकम लेवल राइज कर रहा है, वैसे वैसे लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना लोगों का अपना बदलते रहता है ना? सारे बच्चे इस पॉइंट से अग्री करेंगे। तो समवेयर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग इनकम, इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू डिमांड्स और न्यू सर्विसेज अमंग द कॉमन पीपल। कि शुरुआत में आप पहले सिर्फ मैकडी में जाते थे, जब कंट्री में हमारे कंट्री में मैकडोनल्ड सबसे पहले आया, उसके बाद आप डोमिनोज में जाने लगे, आज के डेट में पिज्जा हट है, आज के डेट में बर्गर किंग है, आज के डेट में बर्गर क्लब है, दुनिया भर के आउटलेट्स हैं। तो आप अपने एरिया में देख सकते हो कि किस लेवल पे एडवांसमेंट हुआ है, वो सब जितने भी दुकानें आप अपने घर के आसपास देखते हो, जितने भी मॉल्स आप देखते हो, सब अपना टर्शरी सेक्टर में आ जाता है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनकी दुकान में जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो, अपना सर्विस दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, आपको आपके लिए प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर आप देखो, विद द इंक्रीजिंग डिमांड, विद द इंक्रीजिंग इनकम लेवल, लोगों के डिमांड्स भी बढ़ने लगे, दैट ऑल्सो लेड टू द राइज इन द टर्शरी सेक्टर। ओके, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं अबाउट सर्टेन न्यू सर्विसेज दैट इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसे आज के डेट में आप लोगों ने सोचा नहीं था कि स्कूल छोड़ के आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, आप लोग जूम के बारे में नहीं जानते होंगे, आप गूगल मीट के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये सब अपना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर और लेट्स से टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट होता है उससे आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड दैट लेड टू द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर एज वेल। Now the second point that we need to remember is about the employment of the people, कि कौन से सेक्टर में अपना सबसे ज़्यादा employment होता है। अब हम लोग ग्राफ 2 के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जो अपना ग्राफ 2 है बच्चा लोग, इसमें आप देखो अगेन ब्लू रेड एंड ग्रीन। तो अगर हम 1973-74 की तरफ देखते हैं तो अपना प्राइमरी सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी में थोड़ा कम है और टर्शरी में भी अपना ज़्यादा ही है।
फिर अगर हम 2013-14 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जीडीपी का जो शेयर है आप देखते हो कि टर्शरी में आपका ज़्यादा हो गया है, अपना सेकेंडरी में अपना फिर भी कम है, प्राइमरी में अपना थोड़ा कम हुआ है ना। तो इनिशियली में क्या दिखता है कि एम्प्लॉयमेंट जो बच्चा लोग है वो आपको ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, मतलब ये बात हो रही है अबाउट दी परसेंटेज जीडीपी शेयर की, वो टर्शरी में हमेशा ज़्यादा है। लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, वी सी दैट वो आपको प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर दो एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, पहला कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस सेक्टर में हो रहा है, तो वो आप लिखोगे टर्शरी सेक्टर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्प्लॉयमेंट का प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो वो आप लिखोगे प्राइमरी सेक्टर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो 1977-78 का है, ऑलमोस्ट 71% ऑफ द पीपल दे आर एम्प्लॉयड इन दी प्राइमरी सेक्टर। अगर हम बात करते हैं 2017-18 की, वी सी दैट 44% आर एम्प्लॉयड इन दी प्राइमरी सेक्टर, और इसी में टर्शरी सेक्टर को देखो तो 31% है। रीजंस यहाँ पर क्या है बच्चों लोग, कि जब हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं ना, तो टर्शरी सेक्टर में आपको स्किल्ड जॉब वाले लोग चाहिए, मतलब कि स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। ऐसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए सभी फ्रेंड्स को पिज्ज़ा का लालच। अच्छा, तुम ही लोग मस्ती कर लो भाई, अनु मैम क्या ही मस्ती करे, तुम ही लोग मस्ती कर लो। हाई प्रिंस, हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ, इतना पढ़ लियो इस चैप्टर को, जरा बताओ कि क्यों टर्शरी सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट का अभी भी कम है, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रोडक्शन आपका सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर में हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो मेरे बहुत ही होनहार बच्चे। दीक्षा, माइनिंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर बिकॉज माइनिंग इज समथिंग जो कि हम नेचुरली अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करके ले रहे हैं। जब आयरन ओर्स की बात होती है, कोल माइंस की बात होती है, वो अपने नेचर में प्रेजेंट है ना, हम वहाँ पर जाते हैं और कोल माइंस को, मतलब और वहाँ पे अपना लैंड को क्या करते हैं, एक्सकवेट करते हैं और माइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसीलिए माइनिंग एक्टिविटी अपना प्राइमरी सेक्टर है। लिटरेसी कम, लिटरेसी रेट कम है, निहारिका ने लिखा है एजुकेशन। अनु मैम सब ले आए लेकिन बच्चे ना आए, यही करो बैठ के तुम लोग। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो बच्चों की जब हम टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करते हैं ना, नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन दी सेकेंडरी एंड दी टर्शरी सेक्टर। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्ड वर्कर्स, वो आपका रिक्वायरमेंट है। जब भी देखो, जब भी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, कुछ इंडस्ट्रीज में, लेट्स से अगर मैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ कम लोगों की जरूरत पड़े। इन जैसे मान लो कि शर्ट में बटन लगाना है, उसके लिए आपको कुछ टेक्निक नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर शर्ट कैसे बनना चाहिए उसके लिए कुछ सर्टन टेक्निक्स चाहिए। कौन से डिजाइंस लगने वाले हैं, कौन सा प्रिंट कहाँ पर लगेगा, इसके लिए सर्टन टेक्निक्स चाहिए। तो इंडस्ट्री सेक्टर्स में भी आपके अनस्किल्ड लेबर्स काम करते हैं और स्किल्ड लेबर काम करते हैं। लेकिन जब हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, उसमें आपके स्किल्ड लेबर का जरूरत होना, जरूरी होना काफी अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी टर्शरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स, ये हमें दिखता है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट नहीं हुए थे। तो यहाँ पर जो आपके प्राइमरी सेक्टर के लोग थे ना, जो कि अनस्किल्ड लेबर्स भी हैं, जो कि फार्मर्स थे, वो गए थे इस उम्मीद से कि वहां पर उनको हाई वेजेस मिलेंगे, बेटर लिविंग स्टाइल होगा, बट समवेयर दे अंडरस्टूड दैट दीस जॉब्स, दीस आर नॉट मेंट फॉर देम। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल दीस पीपल दे हैड टू वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर इन सम और द अदर एरियाज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है दैट वाई वी सी कि अपना जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में अभी भी ज्यादा हो जाता है एज विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब ये बताओ कि कितने बच्चों ने बुक में लक्ष्मी की कहानी पढ़ी है? लक्ष्मी की कहानी कितने बच्चों ने बुक में पढ़ ली है, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ एवरीवन। हाय तनिष्का, तनिष्का आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, शुरू में मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल। ओके, वेरी गुड सुपंजोत, हाय, हेलो निखिल, हाय
अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यस सारे बच्चों ने पढ़ा है कि जब हम लक्ष्मी के एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों, तो आपने बुक में ये पढ़ रखा है ना कि लक्ष्मी की एक फैमिली, पूरी फैमिली है 5 मेंबर्स की। अब लक्ष्मी की पूरी फैमिली जितने भी आपके मेंबर्स है ना, वो एक छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड पे 5 लोगों की जरूरत नहीं है, फिर भी पूरे फैमिली मेंबर्स, सिंस उनके उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसा बड़ा लार्ज लैंड ओनर नहीं है जो इनको अपने घर पे काम पे ले आए, तो यहाँ पर ये लोग सब क्या कर रहे हैं, अपने सब्सिस्टेंस के लिए अपने ही छोटे से लैंड पे सारे लोग काम कर रहे हैं। अब ये 5 मेंबर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या हो जाता है, सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है बच्चा लोग कि ये आप रूरल एरियाज में बहुत देखोगे कि जहाँ पर फैमिली मेंबर्स ही लैंड पर अपने काम कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कि उस लैंड पे सिर्फ 3 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट हो, लेकिन 5 लोगों को काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो लक्ष्मी की स्टोरी से हमने समझना है अबाउट द अंडर एम्प्लॉयमेंट कि ये क्या कंडीशन होता है, ये क्या सिचुएशन होता है अपने कंट्री में। यहाँ पर मान लो कि 5 मेंबर्स हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टप्पू को ले लेती हूँ, एक अपनी लक्ष्मी है, लक्ष्मी के साथ काम करने वाली निहारिका है, निहारिका के साथ टप्पू है, टप्पू के साथ यहाँ पर दृष्टि है, और दृष्टि के साथ यहाँ पर कौन है भाई, श्रेयांश है। ये हमारे 5 बच्चे हैं जो कि यहाँ पर 4 बच्चे हैं जो कि लक्ष्मी के साथ इस लैंड पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर निहारिका कहेगी यार मैंने तो ये वाला काम तुरंत कंप्लीट कर दिया, टप्पू कहेगा मेरे को तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, फिर भी जबरदस्ती मुझे इस लैंड पे काम करवा रहे हो, तुम ही लोग मिलके सारा काम कर लिया करो ना, श्रेयांश फुर्ती से अपना काम कंप्लीट कर रहा है, दृष्टि भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन सारे बच्चों को यहाँ पर लगता है कि यार ये छोटे से लैंड में हम लोग एक ही जगह पे कितना काम कर ले, आपके पास पोटेंशियल ज्यादा है काम करने की, लेकिन आप लोग कम काम करते हो, राइट, बिकॉज आपके पास वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो यही अगर एक केस होता कि मान लो कि यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी लार्ज लैंड ओनर हूँ, मेरे पास खूब सारा लैंड है, और मैं इन बच्चों को देख लिया कि यार ये लक्ष्मी के साथ काम कर रहे हैं, और ये लोग बड़े दुखी हैं, परेशान है कि इनके पास काम नहीं है, एक ही लैंड पे काम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं आ रहा है, तो मैंने इनकी मिंकी पौनकी किया और मैंने कहा कि यार मैं निहारिका और दृष्टि को अपने साथ ले जाती हूँ, लक्ष्मी के साथ टप्पू और श्रेयांश काम करेंगे। तो मैंने निहारिका और दृष्टि को बोला कि आओ बच्चा मेरे पास एक बड़ा सा लैंड है, चलो उस पे काम करो, तुमको इतने वेजेस मिलेंगे, ठीक है। आप बच्चे इससे रिलेट करोगे क्योंकि मैं आप लोगों का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लक्ष्मी के सिनेरियो में समझता है। तो यहाँ पर निहारिका और दृष्टि अब खुशी खुशी बल्ले बल्ले करके चले कि यार अब हमें अलग से पैसे मिलेंगे, अच्छी बात है, थोड़ा अपना सब्सिस्टेंस अपने फैमिली का थोड़ा बढ़ भी जाएगा। अब यहाँ पर निहारिका और दृष्टि अपने पोटेंशियल के लेवल का भी काम कर रही है, और टप्पू जो कुछ नहीं काम कर रहा था, दिखा रहा था कि वो काम कर रहा है लेकिन काम ज्यादा कर नहीं रहा था, बाकी लोग कर ले रहे थे, तो यहाँ पर टप्पू को भी अब इक्वली कुछ काम करना पड़ेगा, लक्ष्मी को भी काम करना पड़ेगा और श्रेयांश को भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ये लक्ष्मी है, ये टप्पू है, ये श्रेयांश है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग अब अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहे हैं, और लैंड ओनर यहाँ पर दृष्टि और निहारिका से उनके पोटेंशियल के हिसाब का काम करवा रहे हैं, और इस तरीके से फैमिली में एक्स्ट्रा वेजेस और एक्स्ट्रा इनकम भी आ जा रहा है। सो दिस इज द होल सिनेरियो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स, उनको पेस्टिसाइड्स चाहिए होती है, उनके पास बहुत सारा काम होता है, पानी देना, फूल पटाना, यहाँ पर पौधों को देखना हमेशा, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स देना, सीड्स डालना, बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर हम किसी फार्मर के बारे में बात करते हैं ना, हमें यही समझना है दैट उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जा सकती है। सारे बच्चे यहाँ पर समझ रहे हैं? मैम उसी का लंच खाते उसको मत ले जाइए। ओके हाय रश्मा, हाय आयुष, हेलो हेलो एवरीवन, हाय। हाँ अब उसको काम करना पड़ेगा, है ना। तो सारे बच्चे ये पॉइंट समझ गए लक्ष्मी के एग्जांपल से जो आपकी बुक में। तो अब होता है भाई कि अपने कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं अपने कंट्री में जिनके पास हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स खरीदने के पैसे ना हो, पेस्टिसाइड्स खरीदने के पैसे ना हो, उनके पास ट्यूबवेल्स लगाने के कुछ पैसे ना हो, उनका गाँव उतना डेवलप नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे यार, छोटा मोटा काम कर सकते हैं। अब उनके पास बाहर जाकर काम करने का कुछ ज्यादा मौका भी नहीं है, स्कोप भी नहीं है। तो यहाँ पर होता है कि गवर्नमेंट अपने स्कीम्स लाते हैं। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो प्रेजेंट डे में आपको पता है कि फार्मर्स के लिए, हमारी
गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और उससे फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहला काम गवर्नमेंट क्या कर सकती है बच्चा लोग, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, कि गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं लोन टू ऑल द फार्मर्स, जिससे वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और बाकी सीड्स ये सब खरीद सकते हैं। मनी इन ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है और रूरल रोड्स को बेटर किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज के लिए। उसके अलावा सीड फर्टिलाइजर्स, ये सब एक बेसिक चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। लोकल बैंक्स को यहाँ पर मोटिवेट किया जा सकता है कि आप लोन्स प्रोवाइड करिए, कम इंटरेस्ट लीजिए फार्मर्स से, और यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज इन सबको प्रमोट किया जा सकता है, सर्विसेज को प्रमोट किया जा सकता है इन सेमी रूरल एरियाज, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और जो फार्मर के घर में बाकी लोग हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ अलग काम कर सकते हैं और घर की इनकम इस तरीके से जनरेट होगी। सबको यहाँ तक क्लियर है? Now, when we are talking about the reforms that are done by the government, you have to understand about right to work, जो कि अपने constitution में भी है, और एक सबसे important अपने book में जो mentioned है, that is about MNREGA, महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, जो कि 2005 में launch किया गया था। अब MNREGA के बारे में आपको क्या समझना है? ये जो अपनी गवर्नमेंट स्कीम थी बच्चों, इसमें क्या था, दैट एनी पर्सन हु इज एबल टू डू द वर्क और या फिर वो नीड में है कि उनको यहाँ पर काम चाहिए रूरल एरियाज में, तो गवर्नमेंट उनको गारंटी दे रही है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक साल में, और यहाँ पर उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, और यहाँ पर वो जो भी लोग यहाँ पर लैंड से रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा स्कोप है। मतलब कि अगर वो फार्मिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं दैट इज लीडिंग टू सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट प्रेफरेंस अंडर द MNREGA एक्ट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। MNREGA के अलावा जल्दी से बताओ और क्या क्या है भाई। हेलो आयान, टू सेल देयर क्रॉप्स, टू वर्क इन डैम, ओके वेरी गुड। रेशमा, आई कैन शेयर यू द पीपीटी, ऑलरेडी फीनिक्स पे शेयर किया हुआ है मैंने, बट वो मैं आपको वापस से कर दूंगी। नाउ एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर MNREGA आप देख सकते हो सारे स्टेट का यहाँ पर है, कि अगर एवरेज देखा जाए तो समवेयर 45.2 है सारे स्टेट्स का मिला के अपने कंट्री में। तो यहाँ पर चार साल के एवरेज को लिया गया है 2014 से 2015 का, और इधर 2017 से 2018 तक के बीच में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चार साल का जो एवरेज है 2014 से 2018 तक का, उसमें हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट एवरेज, ऑन एन एवरेज बेसिस लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट डेज मिल रहे हैं गारंटी के तौर पर, वो समवेयर 5.2 तो है ही अपने कंट्री में, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है अबाउट द डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन के बारे में मैंने बता दिया, दैट अ पर्सन हु हैज दी पोटेंशियल बट ही और शी इज वर्किंग लेस देन द पोटेंशियल दैट दे हैव, वो अपना कंडीशन होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे दो सेक्टर्स आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बच्चा लोग, आप अपने पेरेंट्स को अगर देखते हो, मान लो कि आपकी मम्मी टीचर है, तो आपको पता है कि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो एक स्कूल में जा रही है जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हुए शी इज डूइंग हर जॉब। आपके पेरेंट्स, लेट्स से आपके पापा कोई आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम उसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेते हैं। जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेली वेज अर्नर्स, जिनके पास कोई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो दिहाड़ी काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डालते हैं। अगर आप कभी भी होलसेल मार्केट में जाते हो, जो लोग यहाँ पर सामान उठाने और रखने का काम करते हैं, वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है भाई? सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज इंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क जहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो रेगुलर है और यहाँ पर लोगों के पास अश्योर्ड वर्क है, सेफ्टी है। अनऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स है, दैट इज लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं जिनको ये फॉलो भी करते हैं। यहाँ पर आप देखो बच्चों लोग, दीज आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स होता है, दे एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे हैव टू वर्क फॉर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, उनको मेडिकल मेडिकल लीव्स भी मिलते हैं, उसके अलावा वेकेशंस भी मिलते हैं,
पेड लीव्स भी मिलता है, मटर्निटी लीव मिलते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इंश्योर किया जाता है, जिसको ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जाता है, वो अपना सेक्टर कहलाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अगर हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई बड़े इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, बिग बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ये अपना एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर का। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से एक सर्टेन आवर्स है जो कि मुझे पढ़ाना है, एक सर्टेन अमाउंट है जो कि मुझे मिलता है, मुझे पेड लीव यहाँ पर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, वो आपको क्यों बताना है ना, नहीं बताना ठीक है। हाय यशिका, हेलो एवरीवन, हाय। जॉब्स आर सिक्योर, रेगुलर बेसिस पे होता है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। जो छोटे मोटे आपके इंडस्ट्रीज होते हैं स्मॉल स्केल में, लो पेड होते हैं और रेगुलर नहीं होता है इनका सैलरी। जब हम डेली वेज अर्नर्स की बात करते हैं या कैजुअल लेबरर्स की बात करते हैं, इनके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि ओवर टाइम करेंगे तो इनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। पेड लीव के ऊपर कोई ऐसा इनके ऊपर नहीं है, हॉलीडेज और सिक का यू नो लीव, ये सब जरूरी नहीं कि इनको मिले, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको अनऑर्गेनाइज में याद रखना है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 2011 के सेंसस के अनुसार अनऑर्गेनाइज में आपका 83% आपको नजर आएगा और ऑर्गेनाइज में समवेयर 17%। अब मैं आपको ये जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है, बस आपको एक बार मैं क्विकली रिवाइज कराना चाह रही हूँ। सभी को यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ, बताते जाओ सबको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करें निखिल। वाओ श्रेयांश, माय मदर इज आल्सो अ टीचर। ठीक है, नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करती है, जहाँ पर पेमेंट रेगुलर नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास पेड लीव्स नहीं उनको मिलता है, कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, इनकी लो सैलरी होती है, इररेगुलर अर्निंग्स होती है, जॉब सिक्योर नहीं है, पीपल ऑर्गेनाइज सेक्टर दे आर फोर्स टू टेक सर्टेन जॉब्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो यहाँ पर इनके जॉब को सिक्योर किया जा सकता है बाय द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च किया जाता है, जहाँ पर मोटिवेट किया जाता है कि इनको स्किल्ड लेबर की ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर इनको कुछ ऐसा काम दिया जाता है जिनको इन पे पैसे ठीक ठाक मिले, राइट। तो यहाँ पर वर्कर्स को इनकी सैलरीज को इंक्रीज करते हुए, डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च करते हुए, इनको स्किलफुल बनाते हुए, हमारे कंट्री में भी आपको पता है स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था। तो इस तरीके से आप देखते हो कि गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम बहुत सारे यहाँ पर स्कीम्स लाती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पर जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन लोग आते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स और आर्टिजन्स होते हैं, अर्बन एरियाज में आपके स्मॉल इंडस्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, और जब हम अर्बन और रूरल एरियाज की बात करते हैं उसमें आपके एससीज एसटीज और मार्जिनलाइज ग्रुप आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखते हो तो यहाँ पर आप जो वर्कर्स को काम करते हुए देखते हो ना, ये आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स मिलते हैं। कि कभी कभी एक लेबर चौक होता है हर एक रीजन में, तो वहाँ से लेबर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, डेली बेसिस पे बुलाया जाता है और डेली बेसिस पे उनको काम दिया जाता है और उसके बेसिस पे पेमेंट की जाती है। तो कोई एक फिक्स्ड ये नहीं है, जितना अमाउंट क्या जितना मन किया उस हिसाब से अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, एक अपना लास्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पर जब हम ओनरशिप के बेसिस पे देखते हैं तो हमारा टू टाइप होता है बच्चा लोग, एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हो कि जो ओनरशिप होता है एसेट्स का, एंटरप्राइज का या फिर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का, दैट लाइज इन दी हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आप सब बच्चे रिलायंस के बारे में जानते हो, आप सब बच्चे टाटा के बारे में जानते हो, आप सब बच्चे कौन सी कंपनी बोलूँ मैं, विप्रो के बारे में जानते हो, आप सब बच्चे एक्सेंचर के बारे में सुने होंगे। तो ये सब आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है बच्चा लोग, जो कि दीज आर ओन्ड बाय दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये आपके जो एंटरप्राइजेस और एसेट्स होते हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का यहाँ पर रोल होता है, यहाँ पर उनका ओनरशिप होता है, मोनोपोली होता है, तो ये अपना प्राइवेट
सेक्टर कहलाता है, ठीक है, सारे डिसीजंस वो लेते हैं, सारी प्रॉफिट उनके हाथ में आती है। जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया में आप इंडियन रेलवेज की बात कर लो, है ना, जो आपके नेशनलाइज, जैसे कि हम एयर इंडिया की बात करते हैं तो वो अपना आ गया। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं अबाउट भेल, सेल, ये सब आपका पब्लिक सेक्टर में आ जाता है ना, ऑयल कंपनीज, ये सब जो आपके आ जाते हैं। एचपी की बात करते हैं तो सो दीज आर ओन्ड बाई द गवर्नमेंट, और मोस्ट ऑफ द एसेट्स जितने भी है ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, दे आर ओन्ड बाई द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, वी सी दैट दे आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ ओनली टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर में मान लो, लेट्स से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करोगे, अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, तो चार्जेस पर मीटर जो है ना, वो आपका ज़्यादा होगा बनस्पत अगर हम कंपेयर करते हैं बाय द इलेक्ट्रिसिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, वो आपका कम चार्ज होता है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ में ले लो, कोई भी आप बड़ी जगह पर जाओगे, मान लो कि समथिंग दैट इज़ ओन बाई एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, तो वो आपसे क्या करते हैं, ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में क्या है बच्चा, कि हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और जो हमारे टैक्स होते हैं उसी को गवर्नमेंट यूज़ करते हुए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। सो दे रेज द मनी थ्रू टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट द एक्सपेंसेज एंड द सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड बाई द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर उनका क्या मोटिव होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ द कंट्री इन मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लेट्स से मिनिमम वेजेस, या फिर उनका मेन मोटिव जो है दैट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज इन अ वेरी चीप रेट, एट अ वेरी चीप रेट। ओके, तो यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आई गेस कि सबको अब हाई, हेलो सृष्टि, हेलो एवरीवन। रेलवेज आप लिख सकते हो, बिल्कुल। चलो अब हम लोग मेंटी की तरफ चलते हैं। आई होप कि सबको सबको वन सेकेंड, हाय अभिषेक, हेलो, हाय सिमरन, हेलो। चलो लेट मी जस्ट शो यू द मेंटी। ओके, मेरी आंखें तो ठीक नहीं है बच्चों,
हाय सृष्टि। नहीं टप्पू, सृष्टि अनु मैम को सीवियर हेडेक, आई पेन हो रही है। टप्पू मैं भी पर श्रेयांश को भी डांटने वाली थी। गॉड, यू गाइस आर इम्पॉसिबल। चलो जल्दी से आओ। चलो भप, चलो 6 क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट करो। हाय चरण, बड़े दिन बाद देखियो यार। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या ही करूं मैं बच्चों का, बताओ। चलो दो 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 दो। ये टप्पू पागल है, ये टप्पू बदमाशी कर रहा है। सृष्टि टेंशन ना लो, कुछ भी लिखते रहता है। ओके, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट और कंसिडर इट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, हाय सिमरन। ओके लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय अयान, हेलो, क्या बात है, अभिनव सेशन में रहते हो क्या? सृष्टि धम्मा रॉन्ग एड्रेस, क्यों? माउस कौन है ये? माउस अपना श्रेयांश है ये? ओके वी हैव अभिनव, देन वी हैव निखिल, पापा का नाम है जगवीर, सबको पता हो गया। थर्ड पे अपनी मगर मचा चुकी है, दैट इज निहारिका, श्रेयांश, देन वी हैव चरण, फैन ऑफ अनुप्रिया मैम, देन वी हैव अयान जो कि यहाँ पर पढ़ाई करने आया है, देन वी हैव सृष्टि, मोहित, टप्पू एंड एट लास्ट वी हैव माउस। अब ये टप्पू है या यशस्वी है? वो सृष्टि कहना चाह रहे हैं कि कोई ढाबा है जिसका नाम है सृष्टि ढाबा। ये टप्पू की बातें मत सुनो, आप पढ़ो ठीक है सृष्टि, इसकी बातों में रहोगे पगला जाओगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ वर्कर हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आंखें देखो सिमरन, आंखें खुली हो या हो बंद, दर्द मुझे उतना ही होता है। तो यहाँ पे दर्द होता है बच्चा। आई थिंक दैट आई नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर। सो वी हैव 13 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड 6 ऑफ यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। चलो लीथल जट्टी, बड़े दिन बाद दिखे भाई, क्या बात है, यश है कि कौन है हमें पता नहीं, पता नहीं जी। धामा, इट्स नॉट धामा, इट्स प्रोनाउंस एज धामा, धामा। आ को थोड़ा खींचो प्लीज। ओके तो यहाँ पर देखो, देखो यार मैं तो धर्म को धम्मा धम्मा करते हुए, क्योंकि मैं हूँ बोध गया बुद्ध भगवान की नगरी से। सो वी हैव अभिनव तीव्र गति से आंसर करते हुए, श्रेयांश सेकंड पे, निखिल को धप्पा पड़ा, चरण चरण आ चुके हैं तेजा करते करते, वी हैव निहारिका, टप्पू, वी हैव लीडल ज्योति, वी हैव यशस्वी, देन वी हैव तानी और बानी और एंड में डॉक्टर सेंटीपीड। सृष्टि को धप्पा पड़ गया भाई। वेरी गुड अयान, वेरी गुड, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। पढ़ाई लिखाई करो, बाकी चीज में क्या ही रखा है। देखो मुझे बचपन से कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा मुझे कहा जाता था। तो मैं सैम को देखते हुए, मुझे नवाब वाला टर्म आता है, तो मेरे कजन चाचा थे वो हमेशा हमें कहते थे, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, वो ऐसे कहते थे, ताकि हम लोग खेलकूद करने जाए बाहर। तो दोनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए, पॉइंट इज दिस। ठीक है, ओके
प्रॉफिट मेकिंग एंटरटेनमेंट के लिए भाई पब्लिक सेक्टर। 17 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया, धप्पा धप्पी हो गई लीडर बोर्ड पे। चलो जी, अरे सृष्टि वापस से आ गई, कहती है मैम कम बच्चों में अपने को ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखो भाई, श्रेयांश और निखिल में टॉम एंड जेरी का रेस ऑन है और पीछे से वुल्फ माइस्टर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्टली वी हैव अभिनव, देन वी हैव निखिल, देन वी हैव श्रेयांश, देन वी हैव चरण, वी हैव लीथल चट्टी, वी हैव तानी तानी, देन वी हैव टप्पू, वी हैव डॉक्टर सेंटीपीड, वी हैव यशस्वी, एंड लास्ट वी हैव सृष्टि ऑन द लीडर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। श्रेयांश, क्यों तुम्हारी याददाश्त इतनी अच्छी है? अगली बार से आएंगे, अगली बार से, ठीक है श्रेयांश? वाई योर याददाश्त इज गुड। मम्मी ने कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट पिला दिया और मम्मी ने कुछ ज्यादा ही आपको ये करा दिया, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आलमंड्स खिला दिया है बच्चे को। वाह, तो उसके बाद तुम मेरी गुणगान करोगी उधर टप्पू, तभी भेजूंगी। ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, यप यप यप, 14 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, 6 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। लीथल चट्टी का हो गया मिस क्लिक। और इसी बात पे अब मेरी आंखें कैसी, आंखें खुली हो या हो बंद, दर्द वैसा ही होता है। सिमरन, आपको बता दिया गाने के अंदाज में, इतना एंटरटेनमेंट और कहाँ मिलेगा, पढ़ाई लिखाई सब कर ली, चैप्टर खत्म कर लिया, अब थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, है ना बच्चों? चलो, वी हैव अभिनव, वी हैव श्रेयांश, वी हैव निखिल, वी हैव टप्पू। यार ये टप्पू और यशस्वी नट क्या पता है, यशस्वी क्या करती है, दो लेती है, इधर मान लो मेरा रिमोट और ये मेरा फोन, टुप टुप टुप, वो दोनों तरफ से टुप 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 और एक साथ आंसर। देन वी हैव चरण, निहारिका, लीथा, जट्टी, सिमरन एंड सृष्टि, धामा। ओके सृष्टि, भेज दो भेज दो भेज दो, अगली बार वाटर रिसोर्सेज करा दे। हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम वाटर रिसोर्सेज आप पहले करा दो, पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम कराएंगे क्लास 10th का, वो वाटर रिसोर्सेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर। यार आप लोग पहले बता दिया करो, ये चैप्टर दे देना, देन कंप्लीट हो गया। शिवा ने मुझे बोला था मैम एग्रीकल्चर शुरू कर दो, तो सोच रही हूँ एग्रीकल्चर कर दूँ क्या। अच्छा, दृष्टि को सब पता है। सिमरन, अनु मैम ऐसा नहीं करती, या बताओ प्राइवेट सेक्टर में कौन सा है, एग्रीकल्चर शुरू करें। यार अभी तो अपने लाइक्स 21 थे, ये लाइक्स कैसे कम हो गए? वाटर रिसोर्सेज देव ने बोला, बड़ी कंफ्यूजन है जीवन में यार बच्चों, क्या करूं, एक ही अनु मैम में कितना कुछ पढ़ा देंगी बताओ। आप लोग डिसाइड करके बोलो कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं दोनों पे करवा दूंगी पोलिंग, ठीक है, फिनिक्स पे, ठीक है, तो वहाँ पे पोलिंग कर देना, जो सहमति से होगा ना मेजॉरिटी में कर लेंगे वो, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर अपना बड़ा चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज थोड़ा छोटा चैप्टर है ना। अभिनव, श्रेयांश, निखिल, टप्पू, यशस्वी, निहारिका, सिमरन, देन वी हैव लीथल चट्टी, वी हैव सृष्टि एंड अयान, जो कि वापस से लीडर बोर्ड की तरफ आ गए। मैम पहले पानी करेंगे फिर हम खेती करेंगे, ये भी अलग बात है। सुजाता ने कहा मैम वाटर रिसोर्सेज, यशस्वी वाटर। ओहो, हार्ड तो हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चंस। अच्छा यान, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी कि आंसर ही ना समझ पाओगे, और वो आपका होने वाला है स्पेशल क्लास में, डोंट वरी। ये वाला वाईटी फेस्ट खत्म हो जाए फिर स्पेशल में रेगुलर वापस से हो जाएंगे, ठीक है, एक वीक के लिए। अभी 2-3 दिन मैं खुद अपनी आंखों को रिलैक्स कर रही हूँ बच्चों। तो 16 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, टायर शॉप जो है वो अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैं आता है क्योंकि, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गलत करो गलत करो, सारे बच्चे गलत करो, नहीं गलत करेंगे कोई, टप्पू
और आप टॉपर बनने का आपका सपना यहीं पे अधूरा हो जाता है, आप मुंबई नहीं जा पाएंगे। और आज के मेंटी किंग बने हैं अभिनव, अच्छी टक्कर दी श्रेयांश और निखिल ने, लेकिन अभिनव ने बाजी पलट दी और निहारिका यहाँ पर टप टप आगे नीचे चली गई। वी हैव अभिनव, वी हैव श्रेयांश, वी हैव निखिल, वी हैव टप्पू, वी हैव यशस्वी, वी हैव निहारिका सिमरन, वी हैव लीथल जटी, वी हैव शशि धामा, देन वी हैव यायान ऑन द लीडर बोर्ड। क्लाइमेट हार्ड चैप्टर है, अरे अरे जब मैं हूँ तो क्लाइमेट चैप्टर से डरना बंद करो। लेकिन सृष्टि, जिस दिन से मैं क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाने बैठ गई ना, उस दिन मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए। आप अपने जूनियर से आप अपने सीनियर भैया दीदी लोग से पूछो, अयान से पूछो, अयान क्लाइमेट चैप्टर में, क्योंकि उसका ज्योग्राफी फेवरेट है, वो हमेशा प्रस्तुत रहता था। तो अयान बताओ आपको क्लाइमेट चैप्टर अनु मैम ने कैसा पढ़ाया था, ज़रा बताओ, थोड़ी बढ़ाई करो अपनी। ठीक है जी, ओके, कहाँ गया यान? अच्छा निहारिका भी तो है, निहारिका जरा बताओ। यस देव, हम लोग असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं स्पेशल क्लास में, ठीक है, स्पेशल क्लास में होगा। देव आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप तो आए थे, हाँ स्पेशल क्लास में श्रुति आई थी, आपकी बहन आई थी। इजी इजी क्यों हुआ था यान? क्योंकि अनु मैम ने पढ़ाया था ना। बोलो बोलो, पढ़ाई करो थोड़ी। हाँ टप्पू तो निहारिका है, यहाँ पे निहारिका बढ़ाई करो यार, मेरी यार कैसी बातें कर दी, चलो बढ़ाई करो। यस अनु मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया था कि अभी भी एल नीनो अनु मैम पूछ डाले तो यहाँ पर सारे बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। अच्छा दृष्टि भी तो है, दृष्टि भी तो है, टेंथ में चली गई, पूरा याद है, देखो है ना, है ना, है ना, है ना। कुछ अनु मैम को अपनी पढ़ाई सुननी थी। चलो नाइन्थ के बच्चे सृष्टि आ जाना, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मैप प्लॉटिंग होगा मिंटी के साथ। और मैं क्या कह रही थी, बच्चा लोग लेट्स क्रैक इट, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को कोड यहाँ पर शेयर कर दो APRI10, जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है 16 जुलाई के पहले, और जल्दी से सरप्राइज करो, जल्दी से ले लो सब्सक्रिप्शन। नहीं शार्वी अब नहीं आती है, बस 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 निहारिका, बस 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 अनु मैम रोने लगेंगी, बस बस बस। टप्पू से कुछ मत पूछना, टप्पू ने तो मेरा नाम ही डुबा दिया था। वाह रे वाह सिमरन, जीवन जीने में ही लगी रहती है मेरी बच्ची। चलो अब अनु मैम टाड़ा वाए वाए करती है सारे बच्चों को, ठीक है, आप बच्चों से मिलती हूँ मैं एट 6 PM टुडे। एंड कल अमेजिंग सेशंस के साथ आने वाली हूँ, कल हमारा हैरी पॉटर वाला क्विज होएगा बच्चा लोग मेंटी, कल 3 बजे मेरा एक मेंटी है जिसमें आपको मैं नंबर सीरीज टाइप वाले मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, अच्छा वाला मेंटी होगा NTSC का, और डाइस वाले क्वेश्चंस होंगे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हम लोग क्या करने वाले, 9th vs 10th होने वाला है कल, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। 6 बजे आपका हैरी पॉटर मेंटी है और 8 बजे मेरा वहाँ पर गेस्ट दी पर्सनालिटीज वाली मेंटी है, तो कल 3 मेंटी दे दनादन होने वाला है। बाकी सर्टिफिकेट्स हम लोग अभी दे देंगे आज, और सारे बच्चे आ जाना, ठीक है। सो लेट्स क्रैक